यह टॉप लोड आईएफबी की मशीन की पीसीबी है, तो इसके अंदर जो अभी फॉल्ट है वो देख लेते हैं। तो मैं पावर ऑन कर दिया हूँ और मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि इसके अंदर जो एरर है हाई का आ गया। तो इस कंडीशन में अभी पहले तो ये था कि चलिए लो आ रहा है तो इसे हम ओपन कर देंगे और आसानी से बना लेंगे, लेकिन इस कंडीशन में अब आएगी बात उस ट्रिक, उस टेक्निक की, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि उसे जानना ज़रूरी है, ना कि इसे निकालिए और दूसरा बिठा दीजिए। अब मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इसी मशीन के अंदर होगा और कहीं पे नहीं होगा। आज के समय में जो हमारे इन्वर्टर, जो भी सेंसिटिव अगर जो हम पीसीबी तैयार करते हैं, बनाते हैं, जो भी डिज़ाइन की जाएगी वो कुछ इसी तरह से की जाती है। है कुछ नहीं, और अगर नहीं समझे तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे देखिए, इस मशीन का मैं ऐसे ही समझाने के लिए, यानी आप लोग को समझाने के लिए एक बना के ऐसे ही रखा था। यहाँ पे देखिए कि एसी लो के लिए और हाई के लिए यहीं पे जिम्मेदारी बनती है। तो ये हमारा एसी से कनेक्ट लाइन से होता है, ये 560 ओम की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे है, ठीक है, 560 ओम की रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस एक डायोड से होकर के यहाँ पे आती है, और इस डायोड को, यानी जो इसके और इसके बीच में, तो ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड से 10 के की एक रेजिस्टेंस होती है जो पुल डाउन करके रखती है। तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो सप्लाई है, यानी ये सप्लाई जो है वो इसको ड्राप कराएगी इसमें, और उससे जो बने हुए वोल्टेज जो है वो माइक्रो कंट्रोलर को पिन नंबर 67 पे जाती है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। तो कुछ देर बाद, बहुत से भाई एक कमेंट किए थे कि इसके अंदर जो है कुछ देर के बाद वो सही हो जाता है, तो हाँ सही हो जाता है, लेकिन उसका भी होता है कि जो आरसी होता है ना, आरसी जो टी बराबर आरसी आर इंटू सी, मतलब रेजिस्टेंस गुणते कैपेसिटर, जो होता है, जो फार्मूला है उसके अनुसार यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग होगी। लेकिन अगर यहाँ पे फेल हो गया तो फटाक करके चार्ज हो जाएगा, और चार्ज होने के बाद ओवर चार्ज हो जाएगा। और ये जो है डायोड, सेफ्टी के लिए एक जीनर डायोड है, जो वोल्टेज ज़्यादा ना हो, यानी जिससे एमसीयू खराब ना हो जिस वोल्टेज पे, उसके लिए ये बना है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है वो वोल्टेज अगर ओवर बना तो एमसीयू को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, जिसके वजह से हाई वोल्टेज यहाँ पे शो करने लगता है। तो कभी ये चलेगा कभी नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू होगा, ये हाई और लो कभी भी हो सकता है। अभी देखिए ये परफेक्ट होने लगा। तो रीज़न ये है कि अभी ये जो रेजिस्टेंस थी ये अभी फिर वापस अपने जगह पर आ गई। तो SMD में अक्सर करके जो रेजिस्टेंस होते हैं SMD के, वो मान उनका घट जाता है और बढ़ जाता है, और उसके पीछे कारण रहता है कि सीलन अगर इसके साथ में आ जाती है तो बढ़ जाता है, यानी घट जाता है उसका मान। तो चलिए, ये सब तो घटने और बढ़ने की है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये वाली यहाँ पे लगती है, और वो रेजिस्टेंस यहाँ से होकर के इस तरह से, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 10K की रेजिस्टेंस है ये वाली। तो 10K की रेजिस्टेंस जब भी ये ग्राउंड से है, इसके बाद ये निकलती है यहाँ से, और ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, और इस कैपेसिटर की सप्लाई माइक्रो कंट्रोलर को आती है। अगर ये वोल्टेज कम रहेगा तो, यानी एक वोल्ट से कम हो जाएगा तो नहीं, और यहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा, इधर से आने वाला वोल्टेज जो है 110 या 20 पे आप करेंगे, 110 ही करेंगे, क्योंकि 220 है अगर आपकी सप्लाई तो 110, क्योंकि हाफ वेव आएगी यहाँ पे, तो हाफ वेव से आप मिला लीजिए कि कितना यहाँ पे आपको मिलेगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 वोल्ट के करीब। तो 2 वोल्ट से थोड़ा कम रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2 वोल्ट से ऊपर हुए तो होगा ही, अगर ये ओपन हो जाएगी ये वाली रेजिस्टेंस तो होगा ज़्यादा, तो यही फॉल्ट ज़्यादा आता है। चलिए, इसका विस्तार से, अभी तो बहुत कुछ है इसमें, अगर इस पर बात करेंगे तो बहुत है।
आपको ऐसे ही वीडियो मिलेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।